23 सितंबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रेड़ी पटरी के सभी भाई बहनों के साथ हमने एक बैठक करी थी, और उस बैठक में हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि भाई जिस रेड़ी पटरी के लोगों को गुमराह करके दिल्ली में लोगों ने सरकार बना ली, वो रेड़ी पटरी के लोग ही आज दर दर भटक रहे हैं। उस रेड़ी पटरी के लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। वो गरीब लोग जो रोज कहते हैं कुआं खोदना और पानी पीना जिनके हिस्से में आता है, उन लोगों का वो सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है, जिसके लिए 2015 में 2013 में ये रेड़ी पटरी का वर्ग बहुत झूम के और बड़े जोश से आगे निकलता था कि शायद ये जो है नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, ये हमारे समस्याओं को दूर करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलते हुए हमने वहां हम मैक्सिमम सुने ही थे आप लोगों को, आप लोग भी जो पीछे मैंने जिनको अभी मंच पे बिठाया है, तो हमको लगता है ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बैठे होंगे। ये भी एक आप सबको सनद रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पार्टी के अध्यक्ष के साथ इनको भी बैठ करके अपनी हम जो कहेंगे उसमें इनको सहमति या असहमति करने का मौका मिला है, ये भी शायद दिल्ली में रेड़ी पटरी के लिए पहली बार हो रहा है। और जो सामने भी लोग बैठे हैं उसमें बहुत लोग जो रेड़ी पटरी के पूरे दिल्ली की समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं सड़कों पे, ऐसे कितने लोग हैं हाथ उठा के बताइएगा जो सामने है। ये सब लोग तो मेरे मीडिया के विद्वान साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये एक इम्पोर्टेंट घड़ी है कि रेड़ी पटरी के लोग खुद ही सवाल उठा रहे हैं। हम तो सिर्फ उनके आवाज को थोड़ा सा बल देने के लिए उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि कोई भी कार्य की सफलता तब होती है जब एक विजन होता है, और विजन अगर झूठ बोलने का हो जाए, विजन अगर भ्रम डाल के वोट लेके आगे बढ़ने का हो जाए, फिर तो उस समाज का, उस राज्य का क्या हो सकता है, आज आप सबके सामने दिख रहा है। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप सबसे मुलाकात की, तो उसी दिन शाम को दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा है कि उन्होंने कहा कि एक समय दिया, कितने समय के अंदर, कितने समय दिए थे, एक महीने का समय दिया कि हम एक महीना के अंदर आपकी समस्याएं सुलझा देंगे, आपको बीजेपी के पास जाने की क्या जरूरत है। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें खुशी इसलिए हुई, मैंने मनीष सिंह जी को भी जो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनको मैंने बहुत बधाई दी कि चलो हम तो विपक्ष में हम सवाल इसीलिए उठाते हैं कि उस पीड़ित लोगों का समाधान हो जाए। तो एक महीने का समय दे दिया, 23 सितंबर था, और 23 सितंबर के बाद 23 अक्टूबर भी चला गया, 23 अक्टूबर के बाद 23 नवंबर भी चला गया, 23 नवंबर के बाद आज हम बैठे हैं तो 3 दिसंबर है। रेड़ी पटरी के लोगों की समस्या जस की तस है, कितना झूठ बोलोगे आम आदमी पार्टी की सरकार, कितना बरगलाओगे, कितना भ्रम डालोगे,